नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी नगर के एक प्रतिष्ठित आई क्लिनिक, जिसे लंबे समय से लोग नईमी आई क्लिनिक के नाम से जानते हैं। और जिस तरह तमाम मेडिकल साइंस में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस तरह यहाँ भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम नई टेक्नोलॉजी की नई मशीनें आ चुकी हैं। और ये बड़ी पुरानी परंपरा रही है नेत्र क्लिनिक की, और नई जब टेक्नोलॉजी आई तो नई थीम की पढ़ाई के साथ आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहज़र नईमी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि या वर्तमान समय जो जिस तरह की कभी बरसात का भी मौसम हो रहा है, कभी धूप भी बहुत तेज़ हो जा रही है, कभी गर्दे भी उड़ने लग रहे हैं, ऐसे में आँखों का किस तरह बचाव करना होगा, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, घोसी लाइव में आपका स्वागत है। वर्तमान समय जो मौसम चल रहा है, कभी बारिश का भी होने लग रहा है, कभी गर्द भी उड़ने लग रहे हैं, कभी धूप भी बहुत तेज़ हो जा रही है, ऐसे में आँखों के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में सबसे ज़्यादा जो होती है हमारी आँखों, गर्मी की वजह से आँखों में ड्राइनेस की हो सकती है, सूखापन जिसको बोल सकते हैं हम, उसकी समस्या सबसे ज़्यादा होती है। या गर्दे लगने की वजह से या धूप लगने की वजह से आँखों में लाली पानी की समस्या हो सकती है। तो सबसे पहला तो इसका जो बचाव है, हमें आँखों की साफ़ सफाई रखनी है, उसके साथ हमें अपना हाइजीन भी मेंटेन रखना है। धूप में अगर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हेलमेट और चश्मे का प्रयोग करें। साथ में अपने चेहरे को बाहर से आने के बाद साफ़ रखें, साफ़ पानी से धुलें, आँखों की अच्छे से सफाई रखें, ठंडे पानी से उसको धोते रहें। और बाकी उससे ज़्यादा कोई समस्या ज़्यादा होती है, फिर आप डॉक्टर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। ये जो मशीनें वगैरह जिस तरह की आपकी लग रही, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लग रही हैं, इससे क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं यहाँ पर? जी, इससे हमारी बहुत सारी सुविधाएं, इस वक्त आँखों में जितने भी जाँचों की सुविधाएं सारी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे पर्दे की जाँच हो गई, काली पुतली की जाँच हो गई, काले मोतिये की जाँच हो गई, बाकी मोतियाबिंद की जाँच हो गई, और उसके ऑपरेशन की सारी सुविधा हमारे पास है। साथ में जो लेंस के पीछे झिल्ली आ जाती है, उसको साफ़ करने की मशीन है हमारे पास। पर्दों की जाँच के लिए फंडस कैमरे की सुविधा उपलब्ध है। पहले इस सब के लिए तो लखनऊ और बनारस वगैरह दूर दूर जाना पड़ता। जी हाँ, अब तो सारी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं, सारी जांच की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। देखिए, डॉक्टर शहज़र नईमी साहब ने बताया कि जिन मशीनों से हम चेक कराते थे आँखें, जिनके लिए हमें बनारस, लखनऊ, कहाँ कहाँ दूर जगह जाना पड़ता था, दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता था, वह आपकी इस घोसी में सुविधा उपलब्ध है, उन्होंने बताया है। और इस वक्त आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त की सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, पूरे भारतवासियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपसी भाईचारा बना रहे, बाकी जबकि सब लोग अपने घर पर और छतों पर जहाँ भी हो सके तिरंगा फहराएं। लेकिन डॉक्टर साहब ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देशवासियों को शुभकामना देने के साथ साथ कहा कि देश में अमन व अमान और भाईचारा बना रहे, और हर घर पर तिरंगा जो एक थीम चल रही है, सरकार की थीम चल रही है, और हमें अपने दिल में भी होना चाहिए कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि अपने घर पर तिरंगा फहराए। इसी तरह की अपडेट के साथ अगले पड़ाव पर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।